नाउ दिस इज दी पार्ट थ्री, कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट टू, जहां पर हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे. फॉरेन ट्रेड के बारे में देखा, ग्लोबलाइजेशन और नेसेसिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखा. नाउ पार्ट थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे. ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो समझ लिया, उसकी नेसेसिटी भी समझ ली, बट ग्लोबलाइजेशन को इतनी सक्सेस जो है वो क्यों मिली, क्या क्या फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे. तो फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से इतना सक्सेसफुल रहा. तो हमें तीन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है उसको काफी ज्यादा सक्सेस जो है वो मिली है. इन तीनों फैक्टर्स की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया. तो सबसे पहला हम समझते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में. तो ये हमें डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन प्लेइंग अ की रोल इन एनकरेजिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. टेक्नोलॉजी जो रैपिडली जो चेंज हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये की रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ में या डेवलपमेंट. तो ये हमें पूरा पूछ सकते हैं और यहाँ पर कमेंट जस्टिफाई पूछ सकते हैं. तो अब हम समझते हैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के फैक्टर के बारे में. सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम कंटेनर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. तो इन लास्ट 50 इयर्स द वर्ल्ड हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट. लास्ट 50 इयर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जो है वो देखे गए हैं. ड्यू टू दिस गुड जो है हम आसानी से एक कंट्री जो है वो सेफली जो है दूसरे कंट्री तक पहुंचा सकते हैं. जैसे बड़े बड़े कंटेनर जो है उसमें गुड्स जो है वो पैक किया जाता है और सेफली दूसरी कंट्रीज में उसे भेज दिया जाता है एट द लोअर कॉस्ट. अब इसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हमने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करी, अब हम किसके बारे में बात करें, आईटी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. तो ये हमें डायरेक्टली पूछते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. आईटी की वजह से आपने देखा ये आज हम जो है हम एक कोई विद इन एन ब्लिंक ऑफ आई जो है हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं किसी के थ्रू, फॉरेन पीपल जो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो ये क्वेश्चन भी हमें पूछते हैं, हमें स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, यहाँ पर पूछ लेंगे कमेंट जस्टिफाई. तो अब हम देखते हैं आज के टाइम पे काफी ज्यादा रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में. अब हम इसमें तीन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन. वेरी इजी, कंप्यूटर्स जो है वो सारी फील्ड में एंटर हो चुके हैं. इवन जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब भी पॉसिबल हो पाया है और जो आप तक रीच पहुंच पा रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. तो कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में जो है उन्होंने एंट्री ले ली है. नेक्स्ट इंटरनेट की बात करें तो हम जो है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है हमें, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कहीं पे भी. द इंटरनेट अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट ईमेल्स, हम तुरंत जो है इंस्टेंटली ईमेल्स और मैसेजेस जो टेक्स्ट मैसेजेस जो अपने वॉइस मेल जो है वो अक्रॉस द कंट्रीज जो है वो पहुंचा सकते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल या बहुत ही कम कॉस्ट में और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट. अब हम टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन हो गया, ये सब फैसिलिटीज से हम दूसरे पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो कि अक्रॉस द कंट्री हम आराम से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. इंस्टेंटली और इवन रिमोट जो फार एरियाज है वहां पर भी हम आसानी से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं पीपल को बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. तो हमने देखा टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो हमें अच्छे से याद रखना है, अगर हमें स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे तो हमें ओनली ये दो पॉइंट जो है वो लिखने हैं, और अगर हमें आईटी से रिलेटेड अगर हमें पूछे तो हमें ये वाले पॉइंट जो है वो पढ़ने हैं. अब हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें लॉजिकल सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन. हम किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में आईटी का यूज करते, तो हम इसको डायरेक्टली यहां से पढ़ते. यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर, अ न्यूज मैगजीन पब्लिश फॉर लंडन.
एक लंदन में न्यूज मैगजीन जो है वो पब्लिश की जाती है, लंदन के लोग वहां पर उसे पढ़ते हैं, उसका डिजाइनिंग और प्रिंटिंग जो है वो दिल्ली में किया जाता है। ये किसके थ्रू हो रहा है? आईटी के थ्रू हो रहा है। मैगजीन जो है लंदन की जो पब्लिश होती है और उसका डिजाइनिंग और प्रिंटिंग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। अब हम प्रोसेस समझते हैं किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो आईटी के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। तो प्रोसेस देखिए, सबसे पहला लंदन जो है, एक मैगजीन में क्या क्या टेक्स्ट होना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या अपडेट्स होने चाहिए, वो भेजती है इंटरनेट के थ्रू दिल्ली में। तो द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। दिल्ली ऑफिस में वो जो भी मैगजीन में कंटेंट आने वाला है वो भेजा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिजाइनर इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन। अब दिल्ली को ऑर्डर्स मिलते हैं और किस तरीके से मैगजीन का डिजाइन होना चाहिए, उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, पूरे ऑर्डर जो है मैगजीन का डिजाइन कैसा होना चाहिए वो दिल्ली तक पहुंचता है यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दिल्ली ऑफिस तक पहुंचती है। अब डिजाइनिंग जो है वो पूरी की जाती है कंप्यूटर्स के थ्रू। सबसे पहले ऑर्डर मिला और डिजाइनिंग प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑर्डर मिले अलग अलग डिवाइसेस से, फिर ऑर्डर मिलने के बाद डिजाइनिंग जो है वो कंप्यूटर में ही की जाती है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंट टू लंदन बाय एयर। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है। देखिए, एक बार पूरा मैगजीन जो है वो डिजाइन हो गया है, सेंट हुआ है, कहाँ पर भेजा जाता है? लंदन में भेजा जाता है। अब सब कुछ हो गया, ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, अब आती है बात पैसों की। तो जो ट्रांसफर ऑफ मनी जो है, जो दिल्ली ने काम किया है डिजाइनिंग प्रिंटिंग का, तो वो लंदन बैंक के थ्रू, ई बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू दिल्ली में पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोसेस जो है, इस तरीके से ही हमें अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको देखिए, इवन द पेमेंट ऑफ द मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन जो है वो दिल्ली में किया जाता है थ्रू ई बैंकिंग फैसिलिटीज। तो हमें ये प्रोसेस जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस में पूछ सकते हैं, तो हमें अच्छे से याद रखना है। डिजाइनिंग और प्रिंटिंग जो है वो दिल्ली में की जाती है, टेक्स्ट भेजा जाता है दिल्ली में इंटरनेट के थ्रू, ऑर्डर मिलते हैं टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के थ्रू, डिजाइनिंग की जाती है दिल्ली में कंप्यूटर के थ्रू, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की से हम मैगजीन जो है वो लंदन तक पहुंचाते हैं, और पेमेंट जो है वो ई बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू लंदन बैंक से इंडियन बैंक में पहुंच जाता है। तो ये था हमारा यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि हमने नेक्स्ट फैक्टर देखा, सबसे पहला हमने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी समझा, उसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और आईटी एंड कम्युनिकेशन की बात करी। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट फैक्टर, लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब लिबर। तो हमने ये चीज जो है वो पहले भी पढ़ी है, लिबर का मतलब होता है पूरी तरीके से फ्रीडम या पूरी तरीके से आजादी। जो भी रेस्ट्रिक्शन जो थे स्पेसिफिकली इन ट्रेड, जब पहले हम पहले की बात करें तो पहले हम हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना बाहर से खरीद सकते थे, ना हमारे प्रोडक्ट्स बाहर बेच सकते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन प्रोसेस को लाने की जरूरत है। जो भी ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटा दिए गए। तो अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन। जो भी रिकावर्ड, जो भी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा रखी थी उसे हम बोलेंगे लिबरलाइजेशन। तो हमें डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, करेक्ट एंड राइट में भी पूछ सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन जो थी लगा रखी थी, जब पहले हम नहीं बेच पाते थे उसे हटा दिया, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो हटा दिए गए, उसे हम बोलेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से अब बीच में जो रुकावट जो थी वो पूरी तरीके से हट गई, अब हम आसानी से हमारा ट्रेड बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट, क्या हमें बाहर से मंगवाना है और क्या हमें बाहर बेचना है, ये पॉसिबल हो पाया है लिबरलाइजेशन के थ्रू। और गवर्नमेंट जो है पहले से अगर हम कंपेयर करें तो रेस्ट्रिक्शन लगाती है, लेकिन काफी ज्यादा कम रेस्ट्रिक्शन और ऑब्स्टिकल्स लगाती है than before and it is therefore, आज के गवर्नमेंट की बात करें, ट्रेडिंग पर्पस की बात करें, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस कम है लिबरलाइजेशन में, तो हमारा गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा लिबरल है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्टर्स जो कि हमने देखा, यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर हमने देखा था नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज ट्रेड बैरियर। तो अब हम समझते हैं ट्रेड बैरियर का मतलब। तो देखिए, ट्रेड बैरियर का स्पेसिफिकली हमें ट्रेड बैरियर के बारे में भी पूछते तो हमें अच्छे से याद रखना है।
बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन, जो भी रुकावटें जो ट्रेड में लगाई गई थी गवर्नमेंट ने, उसे हटा दी गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो उससे बोला जाता है जो भी रेस्ट्रिक्शन, जो अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमें ट्रेड बैरियर को लगाने की जरूरत है, इम्पोर्ट जो है वो चाइना से कम हो, जब गवर्नमेंट एक ट्रेड बैरियर लगा दे, एक रुकावट लगा देती है, तो उसे बोला जाता है ट्रेड बैरियर। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल चाइनीज टॉय से रिलेटेड, बिकॉज चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट ही सब खरीदते, तो इससे लोकल मैन्युफैक्चरर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर जो है वो लगा दिए। तो देखते हैं, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ टॉय, अब चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस पर इम्पोर्ट टैक्स जो है वो लगा दिया गया, इम्पोर्ट टैक्स जो है वो एज अ ट्रेड बैरियर का काम करता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ट्रेड बैरियर नहीं होता तो सिचुएशन बिफोर ट्रेड बैरियर, तो अगर ट्रेड बैरियर नहीं है तो कोई भी प्रोडक्ट अगर चाइना से आ रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 है, टैक्स कुछ भी नहीं है, ट्रेड बैरियर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बिकता है इंडिया में आकर 1000 रुपए में, 1000 रुपीज में। और यही अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करता है तो वो जो है वो 2000 में बिकता है। तो बिकॉज ट्रेड बैरियर नहीं है तो सब जो है सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है लोकल से नहीं खरीदते, वो सब खरीदते हैं इससे, और इसको नुकसान होता है इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें। अब गवर्नमेंट ने देखा कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने स्टेप उठाए और उन्होंने ट्रेड बैरियर जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगा दी चाइनीज के प्रोडक्ट पे। अब हम देखते हैं, जब सिचुएशन हुई ट्रेड बैरियर लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगी, सीपी जो था चाइनीज प्रोडक्ट का वो था 1000 रुपीज, अब गवर्नमेंट ने इस पर इम्पोर्ट जो हम इम्पोर्ट करें उस पर एक टैक्स लगा दिया, और गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा लगा दिया, दैट इज 1500 रुपीज। अब वही गुड जो कि बिना ट्रेड बैरियर के 1000 का था, वही गुड बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी जो है, इम्पोर्ट टैक्स जो है वो 2500 का हो गया। अब बिकॉज चाइना का प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो गया, तो अब सब जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीदने वाले हैं। तो ये रोल है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमें ट्रेड बैरियर या इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए तो वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, नाउ दोज हू विश टू इम्पोर्ट, अगर किसी को इम्पोर्ट करने हैं तो उन्हें उस प्रोडक्ट पर टैक्स जो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो एज अ टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर जो है उन्हें हायर प्राइसेस पे प्रोडक्ट जो है वो खरीदना पड़ेगा, और चाइनीज टॉयज जो है जो पहले 1000 रुपीज का था, बिकॉज ऑफ टैक्स वो 2500 का हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, और अब वो इतना सस्ता नहीं रहेगा, और इन द इंडियन एंड इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना जो है वो ऑटोमेटिकली सब जो है वो कहाँ से खरीदने लगेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर से, बिकॉज अब वो सस्ता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे और इंडियन टॉय मेकर जो है उनकी ग्रोथ जो है वो फिर से हो जाएगी। तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रेड बैरियर इम्पोर्ट करने तो इम्पोज करने हैं तो वो इम्पोज कर सकती है। तो ये भी हमें पूछे टैक्स ऑफ ऑन इम्पोर्ट, जो हम इम्पोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट लगाती है वो एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल ट्रेड बैरियर है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट जो है वो क्यों लगाती है ट्रेड बैरियर्स और किस तरीके से लगाती है, अगर उन्हें इम्पोर्ट को बढ़ाना है तो, या उनको रेगुलेट या कम करना है, जो कि हमने देखा यहाँ पर अगर हमें चाइनीज मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करना है तो वो ट्रेड बैरियर जो है वो लगाती है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि कोई भी क्वालिटी या व्हाट काइंड ऑफ गुड जो है वो इंडिया में आने चाहिए इम्पोर्ट हुए, एंड मच ऑफ इट शुड बी ट्रेडेड, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी ट्रेडेड इन द कंट्री, कितना प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में आना चाहिए। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बैरियर जो है वो लगाती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली ओनली ट्रेड बैरियर के ही टॉपिक दे रखे आपको, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स जो है वो लगाए, उसके रीजंस क्या है, गवर्नमेंट को काफी ज्यादा ये नेसेसिटी लगी कि हमें इंडियन प्रोड्यूसर्स को बचाना है, उनको प्रॉस्पर करना है विद इन द कंट्री, इसीलिए उन्होंने इम्पोर्ट बैरियर्स जो है वो लगा दिए। इंडस्ट्रीज उस टाइम पर, इंडस्ट्रीज जो है जो लोकल इंडस्ट्री जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो जस्ट आई थी,
और उन्हें बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज के चीप प्रोडक्ट्स होते थे, उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को नेसेसिटी लगी कि कहीं ना कहीं हमें इंडियन मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज जो है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इम्पोर्ट बैरियर्स लगा दिए। दस इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ओनली जो एसेंशियल आइटम्स है उन पर ही सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम जो है वहां पर ट्रेड बैरियर्स कम किए, लेकिन दूसरे जो प्रोडक्ट जो थे वहां पर उन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो है वो इम्पोज कर दिए। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक जो है एकदम अच्छे से समझ में आ गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हाँ, अब हम समझते हैं केस स्टडी जो कि पहले के सैंपल पेपर्स में दे रखी है। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है इंडिया में वो चाहती है कि एसी जो हाई क्वालिटी जो एसी जो है वो सस्ते में साउथ कोरिया में है, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो काफी ज्यादा लगा दी है। तो इसकी वजह से, इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से एसी काफी ज्यादा जब बाहर से आएंगे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है असर्टन द रोल ऑफ इम्पोर्ट टैक्स। तो इम्पोर्ट टैक्स की वजह से बिकॉज गुड्स महंगा हो गया है तो इम्पोर्ट टैक्स जो है वो किसका काम कर रहा है, ट्रेड बैरियर का। तो ये केस स्टडी हमें पहले के सैंपल पेपर्स में पूछी हुई है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि बनी है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहला, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी डेट हमें अच्छे से याद रखनी है। 1 जनवरी 1995 को ये एस्टैब्लिश हुई है, और किन्होंने एस्टैब्लिश करी है, बाय द मेंबर ऑफ द यूएन। और कहीं ना कहीं इसका कोई ऑब्जेक्टिव है तो टू प्रमोट ट्रेड अमंग्स द कंट्री, कंट्रीज में आसानी से फ्री विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड हो पाए, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई है। इसका मेन हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और ये किसके इनिशिएटिव से बनी है, डेवलप्ड कंट्रीज जो है ऑलरेडी डेवलप्ड है उनके इनिशिएटिव से, कि हमारे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग जो है वो आसानी से हो पाए, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये जो है वो रूल्स बनाती है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, और वो ये देखती है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन लगाए उसको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। एट प्रेजेंट हम बात करें तो 164 कंट्रीज जो है ऑफ द वर्ल्ड वो मेंबर्स है डब्ल्यूटीओ की, और इंडिया जो है जब से डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ है उसका मेंबर है। लेकिन कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बायस है, डिस्क्रिमिनेटेड है, हम समझते हैं इसके लिमिटेशन। तो डब्ल्यूटीओ इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल। डब्ल्यूटीओ में ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी कि सारी कंट्रीज जो है वो फ्री ट्रेड करेगी। इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैव अनफेयरली रिटेन द ट्रेड बैरियर। बोला गया है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर्स जो है वो इम्पोज कर ही देती है, वो डब्ल्यूटीओ की बात नहीं मानती, स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्री। डब्ल्यूटीओ रूल्स जो है, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उन्हें वो आसानी से कुछ भी करने दे रही है, ट्रेड बैरियर्स लगाने दे रही है। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पर डब्ल्यूटीओ रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव द ट्रेड बैरियर। आप जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो, आप जो इंपोर्ट टैक्सेस जो लगा रहे हो, आप इसको रिमूव करो। तो डेवलपिंग कंट्रीज पर वो रूल्स लगा रही है, डेवलप कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं वो बायस है। तो ये हमारे लिमिटेशंस है डब्ल्यूटीओ के। तो इतना सा शॉर्ट टॉपिक आपको दे रखा है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू स्टेप्स दैट आर टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब अगर बाहर की कंट्रीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करे तो इससे कंट्री को और इकोनॉमी को काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, उस पर काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे कि फॉरेन कंपनीज और एमएनसीज जो है वो अट्रैक्ट हो और इंडिया में आकर अपना इन्वेस्टमेंट या पैसा जो है वो लगाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली हमें इसके बारे में भी पूछते हैं, सिस, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें, उसके लिए एक स्टेप उठाया गया
इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए गए, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो हमें स्पेसिफिकली इसके बारे में भी पूछते हैं, व्हाट आर सेज, व्हाट आर द बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ द सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स है जो कि 5 स्टार्स या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और इनसे रिलेटेड काफी लग्जरियस फैसिलिटीज जो है वो जो कंपनी आकर एस्टेब्लिश करेगी, एमएनसी जो है एस्टेब्लिश करेगी इंडिया में आकर, उन्हें ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाएगी। नेक्स्ट, कंपनीज जो की प्रोडक्शन जो है वो सेल्स में सेटअप कर रही है, उन्हें टैक्सेस जो है, जो भी उनकी इनकम हो रही है उस पर टैक्सेस जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। तो इससे बाहर की कंपनीज जो है वो ये देखती है कि हमें हमारा प्रॉफिट और इनकम, बिकॉज कोई टैक्सेस नहीं है, 5 स्टार फैसिलिटीज मिलेगी, तो वो इंडिया में आकर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला है स्टेप जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेस। तो स्पेसिफिकली हमें सेस के बारे में भी पूछते हैं तो अच्छे से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने जो है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी करी है लेबर लॉ। तो जो भी एमएनसीज अगर आ रही है तो जो भी लेबर से रिलेटेड लॉज जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन जो है वो काफी ज्यादा कम कर दिया है। इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट ने कंपनीज एमएनसीज को अलाव किया है कि वो हमारे जो रूल्स जो है, अगर इंडिया में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत सारे जो रूल्स जो है उसको इग्नोर वो कर सकते हैं, बहुत सारे लॉज जो है रिलेटेड टू लेबर जो है वो अप्लाई नहीं होंगे इन कंपनीज को। नेक्स्ट है, कंपनीज जो है जब भी, अब देखो पूरे साल अगर वो लेबर्स को एम्प्लॉय करे तो पूरे साल उन्हें पैसा जो है वो लेबर से रिलेटेड देना पड़ता है। तो एमएनसी को ये बेनिफिट दिया गया है कि जब आपका बहुत ज्यादा इंटेंस वर्क प्रेशर हो तभी आप, जैसे कि सपोज मान लो 3 मंथ्स बहुत ज्यादा लेबर प्रेशर है, बहुत ज्यादा काम है, तो उस 3 मंथ्स के टाइम पर ही वो लेबर को एम्प्लॉय करे, तो उन्हें पैसा जो है वो सिर्फ 3 मंथ्स ही देना पड़ेगा लेबर को, तो बाकी के टाइम पर वो लेबर्स जो है वो निकाल सकती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, जब इंटेंस प्रेशर हो तभी वो लेबर को एम्प्लॉय करे ताकि के जो कॉस्ट ऑफ लेबर जो है, जो वेजेस सैलरी का खर्चा है वो कम हो जाए। तो ये 3 स्टेप हमें अच्छे से याद रखने हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेज, फ्लेक्सिबिलिटीज इन द लेबर लॉ एंड फ्लेक्सिबिलिटीज इन हायरिंग द वर्कर्स। तो ये भी एकदम अच्छे से याद रखना है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मींस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। जैसे कि हमने देखा कि चाइनीज प्रोड्यूसर्स जो थे उनका मार्केट तो काफी ज्यादा बढ़ गया, बायर्स के व्यू पॉइंट से बात करें तो उनके चॉइसेस बढ़ गए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर जो है उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने पड़े। तो ग्लोबलाइजेशन इज टू फेस, मीन्स इसके पॉजिटिव साइड्स भी है और नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन अमंग द लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो है वो काफी ज्यादा एडवांटेजेस रहे, लेकिन किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, और पर्टिकुलरली जिनके पास पैसा है, रिच सेक्शन जो है वो आसानी से बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे दामों में भी खरीद सकते, तो उन्हें काफी ज्यादा बायर्स के व्यू पॉइंट से ग्लोबलाइजेशन से काफी ज्यादा फायदा हुआ, ये तुम्हें पता ही है। नाउ देयर इज अ ग्रेटर चॉइस, उनके लिए काफी ज्यादा ब्रांड्स जो है, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट जो है, उन्हें वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट, उन्हें इंप्रूव क्वालिटी मिलती है, अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी और लोअर प्राइसेस है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ये जो पीपल जो है वो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज बाहर के प्रोडक्ट्स, लग्जरियस प्रोडक्ट्स उनके पास आते, तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उन्हें मिल गया, देन दे हैड द बिफोर। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अमंग प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की स्पेसिफिकली बात करें, पहले हमने वेल ऑफ कंज्यूमर्स या बायर की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की। तो इम्पैक्ट जो था ग्लोबलाइजेशन का यूनिफॉर्म नहीं था, किसी को फायदे हुए, किसी को नुकसान भी हुए। तो सबसे पहला देखते हैं हम, ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, अगर हम पहले के 15 ईयर्स से बात करें, तो एमएनसीज ने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दिया। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाएगा, बिकॉज उन्हें लगा कि हाँ इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में इन्वेस्ट करने की। तो जब एमएनसीज जो है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया इंडिया में आके, विच मीन्स दैट इन्वेस्टिंग इन इंडिया जो है उनके लिए, एमएनसीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एमएनसीज ने यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स में, प्रोडक्ट्स में, सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक,
ऐसे अलग अलग बैंकिंग इन अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बिकॉज उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि इनको यहाँ पर बहुत प्रॉफिट होगा। दीज प्रोडक्ट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर उन्हें बहुत ही मार्केट का रीच है वेल ऑफ बायर का, तो उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। इन दिस इंडस्ट्रीज नए नए जॉब जो है वो क्रिएट किए गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली और लोकल कंपनीज जिन्होंने इन एमएनसीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया उनकी भी ग्रोथ जो है वो प्रॉस्पेरिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो फर्स्ट हमने ये देखा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बहुत टॉप जो सेवरल टॉप कंपनीज जो थी उसको उनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन जो है कॉम्पिटिशन की वजह से उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ। उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज में प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट किया पैसा लगाया एंड उनका प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड भी और बेंचमार्क जो है वो बढ़ाया। सम हैव गेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, जो हमने पहले भी एग्जांपल देखे थे पार्टनरशिप करी थी उससे काफी ज्यादा फायदे भी हुए विद द फॉरेन कंपनी, जो कि हमने एग्जाम्पल देखा था टाटा का एंड फोर्ड मोटर्स का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इससे पार्टनरशिप की वजह से कोलैबोरेशन की वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी लार्ज कंपनीज जो थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई, जैसे कि टाटा मोटर, रेनबैक्सी, एंशियंट पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स रिलेटेड। तो ये भी हमें एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, नेम सम मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया। तो ये हमें याद रखना है, टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एंशियंट पेंट्स एंड सुंदरम फास्टनर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन में इन कंपनीज को काफी ज्यादा डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली आईटी की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिली है, जो कि हमने लंदन और दिल्ली के मैक्सिम वाला एग्जाम्पल देखा था उसका हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। और इंडियन कंपनीज जो है वो बहुत सारी सर्विसेज होस्ट या प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेटा एंट्री वो यहाँ पर एंट्री करती है अपने वर्कर्स को लगाती है और बाहर जो है अपना काम जो है आउटसोर्स करती है, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो काफी ज्यादा वर्क जो है आउटसोर्सिंग का करती है। और ये काम जो है वो काफी चीपली हो जाता है इंडिया में और ये काम जो है वो आउटसोर्स या एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये वाला टॉपिक जो था अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स जो थे, ग्लोबलाइजेशन किसी को फायदा हुआ किसी को नहीं हुआ उसके बारे में दे रखा है। अब हम देखते हैं किसको फायदा नहीं हुआ। ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स। बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उन्हें तो ऑब्वियस सी बात है कि फायदा हुए हैं, बट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो उसका बेनिफिट जो है वो नहीं उठा पाते हैं। वर्कर्स की अब हम बात करते हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स और कंपनीज की हम बात करते हैं, तो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फॉरेन कंपनीज जो है उनको एंट्री मिल गई है, तो इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन फॉरेन प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर से फेस करना पड़ता है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है वो बिकॉज एमएनसी जो उनके पास प्रोडक्शन टेक्निक्स होती है तो वो चीप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बट लोकल जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो वो अपना प्राइस जो है वो अपने प्रोडक्ट का कम नहीं कर सकते, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वो पूरा मार्केट जो है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन जो है उन्हें बेनिफिट नहीं हो पाता, वो अपने कॉमोडिटीज जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे या सस्ते प्राइस पे नहीं बेच पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, डायरी, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब एग्जाम्पल्स जो है जहां पर ऑफ वेयर स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें कॉम्पिटिशन का बहुत ज्यादा फेस जो है वो करना पड़ा। सेवरल ऑफ द यूनिट जो है बिकॉज इतना ज्यादा इम्पैक्ट, इतने ज्यादा लॉसेस हो गए कि उन्हें शट डाउन या बंद ही करना पड़ा और बहुत सारे वर्कर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी जो वहां पर जॉब करते थे वो जॉबलेस हो गए। तो ये था स्पेसिफिकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर और कंपनी। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स। वर्कर्स को क्या क्या असर देखना पड़ा एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोजर ऑफ मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी वो जो है कंपीट नहीं कर पाई, वो शट डाउन हो गए, तो वर्कर्स को अपनी जॉब जो है वो छोड़नी पड़ी। दे वर्क ऑन द टेम्प्रेरी बेसिस, रोज रोज डेली बेसिस पर वो काम करते हैं और उनकी जॉब जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, कभी काम है कभी नहीं है, कभी एम्प्लॉयड है कभी जॉबलेस है। दे हैव टू पुट
मोर वर्किंग आवर्स, ज्यादा काम करना, और पैसे जो है उन्हें काफी कम मिलते हैं, उनकी वेजेस जो है वो काफी ज्यादा लो है। काम तो बहुत ज्यादा है लेकिन वेजेस, कमाई जो है वो काफी ज्यादा कम है, और दे आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट। जितना काम करना चाहिए उतना पैसा या वेजेस जो है वो उन्हें नहीं मिल पाते। काम तो ज्यादा है और फेयर वेजेस जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल भी इनइक्वालिटी है इनकम में। तो ये द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है जो कि हमने पहले टॉपिक पढ़े, ग्लोबलाइजेशन से किसी को फायदा हुआ किसी को नहीं हुआ। तो ये यूनिफॉर्म या बैलेंस नहीं है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर फॉर द फॉलोइंग रीजन। हमें इक्वल या इक्वालिटी लाना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, फेयर जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्या क्या रीजन है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ और सिर्फ जिनके पास पैसा है, रिच जो है वेल ऑफ कंज्यूमर को ही बेनिफिट दिया है, एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि स्किल्ड है, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्हें ही फायदा मिला, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फायदा नहीं मिला। दिस हैज फेल्ड टू एलिमिनेट द पॉवर्टी। बहुत एमएनसीज आएगी, इन्वेस्ट करेगी और हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, पॉवर्टी कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना तो पॉवर्टी घटी, एलिमिनेट हुई, ना ही इक्वालिटी दिखी, इनकम जो गैप जो है रिच और पुअर का वो भी कम नहीं हुआ। रिच जो है वो रिच बनते गए और पुअर जो है वो पुअर बनते गए। पीपल विथ एजुकेशन स्किल और वेल्थ जो है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास पैसा है, उसका बेनिफिट जो है उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटी का, मौके का फायदा उठाया और बहुत पैसा कमा दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे पीपल जो है जिनके पास ये प्रिविलेजेस या बेनिफिट जो है ग्लोबलाइजेशन के वो नहीं मिल पाए। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से काफी ज्यादा नेसेसिटी है या नीड है कि ग्लोबलाइजेशन पूरा फेयर होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अगर हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन करना है तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है इक्वालिटी लेकर आने में। तो सबसे पहला, अवर गवर्नमेंट कैन मेक ग्लोबलाइजेशन ऑन अ फेयर डील इन द फॉर्म। गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स लेगी जिससे कि वो इक्वालिटी लेकर आ सके। सबसे पहले, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जिससे कि सिर्फ वेल ऑफ या रिच को ही फायदा ना हो, ओवरऑल ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री को फायदा हो, ऐसी पॉलिसीज बननी, ड्राफ्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड एंश्योर द लेबर लॉज। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि लेबर लॉज जो है वो सारी कंपनीज को इक्वली एप्लीकेबल हो, इम्प्लीमेंट हो, और वर्कर्स को जो शेयर्ड बेनिफिट, जितना वो काम करे उतनी वेजेस मिलनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को सुपरवाइज या मॉनिटर करना चाहिए, जो कि हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा था। तो यहाँ पर लेबर लॉज जो है वो इक्वली मिलने चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। जब कोई स्मॉल प्रोड्यूसर है जो कि कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प और इकोनॉमिक हेल्प जो है वो करनी चाहिए, जब तक कि वो कम्पीट नहीं कर पाए, जब तक वो डेवलप नहीं हो पाए, तो गवर्नमेंट को इनकी मदद करनी चाहिए। इफ नेसेसरी, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बाहर से बहुत ज्यादा कंपटीशन है और लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, तो जब भी लगे गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स या इन्वेस्टमेंट बैरियर्स जो है उन पर, बाहर से आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट है उन पर रोक लगाने की काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था ट्रेड बैरियर्स का। और उससे बातचीत या नेगोशिएट करना चाहिए WTO से। हमने लिमिटेशन देखी थी कि वो डेवलप के लिए तो सही है, और जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप नहीं डेवलपिंग है उनसे काफी ज्यादा बायस है। तो गवर्नमेंट को WTO से बात करनी चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए कि वो सबके लिए इक्वल और फेयर रूल्स बनाए, और ऐसी कंट्रीज को ज्वाइन करे जिनके म्यूचुअल या सेम इंटरेस्ट हो। जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनके भी इशू सेम है और जो हम हैं हमारे इशू, तो हम दोनों को साथ में मिलकर WTO में एक रिक्वेस्ट जो है वो करनी चाहिए, ताकि के डोमिनेशन जो है वो डेवलप कंट्रीज का वो कम हो। तो ये देखिए, आपको शॉर्ट में इसी तरीके से याद करना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर। सबसे पहला, ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे कि सबको इक्वल बेनिफिट हो, एंश्योर लेबर लॉ, हर जगह लेबर लॉ जो है वो इक्वली हो, वर्कर्स को इक्वालिटी मिले, वो उन्हें स्मॉल प्रोड्यूसर को इनिशियली जब तक वो कंपीट नहीं कर पाते हैं उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि टैक्स बैरियर या इन्वेस्टमेंट बैरियर की जरूरत है, तो वो इम्पोज करे उन्हें, वो WTO के साथ नेगोशिएट करे फॉर फेयर रूल्स, और उन्हें जो डेवलपिंग कंट्री जिनके सेम इश्यूज है उनके साथ हाथ मिलाकर
जो WTO से नेगोशिएट करना चाहिए ताकि के डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनका जो बेनिफिट जो उन्हें मिलते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट वो कम किए जा सके। तो हमारा जो चैप्टर जो था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी इन डिटेल विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, हमने अलग अलग कंपनीज के बारे में देखा इन डिटेल लाइन टू लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है अब उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो।